अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैन अली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये सेट है 32 इंच का एलजी का, तो एलजी का ओरिजिनल एलजी है, ठीक है, आप देख सकते हैं सेट ऑन है। लेकिन इसमें फॉल्ट क्या है कि इसकी पिक्चर नहीं आ रही, ठीक है, इसका रास्टर भी बन रहा है। तो जब हम रिसीवर इसको रिसीवर ऐड करेंगे, रिसीवर पे ऑडियो वीडियो या HDMI केबल इसमें लगाएंगे तो फिर पिक्चर आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम केबल लगाते हैं तो एंटीना लगाते हैं तो वहाँ पे पिक्चर जो है वो नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेट बिल्कुल ओके है, ठीक है, ऑन है। इसमें अगर ऑडियो वीडियो यूज़ करेंगे या HDMI केबल यूज़ करेंगे तो इसमें पिक्चर भी आएगी, लेकिन अगर एंटीना लगाएंगे केबल लगाएंगे तो फिर वहाँ पिक्चर हमें नहीं मिल देखने को मिल रही, ठीक है। तो ये फॉल्ट है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि इसका मॉडल कौन सा है। तो जी ये आप देख सकते हैं LG32LN5100, ठीक है, तो ये इसका मॉडल नंबर है, मेड इन कोरिया। तो इसको रिमूव कर लेते हैं बैक कवर को, फिर देखते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मैंने बैक कवर को रिमूव कर लिया। ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड, तो ये इसका टीकोन बोर्ड है, 32 इंच में भी टीकोन यूज़ किया गया, ठीक है, यहाँ पे टीकोन बोर्ड है। तो ये इसका मदरबोर्ड लगा हुआ, ठीक है। तो जब हम इसमें ऑडियो वीडियो अगर लगाते हैं तो फिर भी पिक्चर आती है, HDMI अगर यूज़ करेंगे तो फिर पिक्चर आएगी, लेकिन जब हम केबल लगाते हैं तो केबल की पिक्चर नहीं आती, ठीक है। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं, हो सकता है इसका चैनल ख़राब हो, ये भी हो सकता है, तो या फिर चैनल चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम इस पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके इसको इसके कवर को ओपन करते हैं, ओपन करके फिर इसको देखते हैं कहाँ इसमें फॉल्ट गया, ठीक है। तो ये RF जो है, RF हमें पिक्चर नहीं दे रहा, ठीक है, RF में पूरा फॉल्ट है। AV भी ठीक है, HDMI भी ठीक है, HDMI पे भी पिक्चर नज़र आती है, लेकिन इसमें ऑडियो वीडियो में भी अगर लगाएंगे तो हमें पिक्चर मिलेगी, ठीक है, लेकिन RF जो है ये हमें पिक्चर नहीं दे रहा, ठीक है। दोबारा चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, इसके कवर को ओपन करते हैं, ओपन करके फिर देखते हैं। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन किया लेकिन इसमें ये जल चुका है, ठीक है, नीचे से आप देख सकते हैं इसमें आसमानी बिजली पड़ी है, तो जिसकी वजह से ये इसका चैनल जो है वो सारे का सारा जल चुका है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो अभी हम देखना पड़ेगा, क्या इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके देखते हैं, वरना इसका ये चैनल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जी फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर लिया, ये ठीक है, ये हम देख सकते हैं जल गई है, नीचे से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से ये जल गई है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम ये ऐड करेंगे, ठीक है, सेम नंबर की है, सेम बोर्ड की ये मैंने रिमूव की है, तो ये वाली जो है इसको अब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद ये जो ट्यूनर है, ये असल में बारिश की वजह से जब आसमानी बिजली गिरी है तो उसकी वजह से ये ट्यूनर ख़राब हुआ है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम नया ट्यूनर लगाएंगे, नया तो नहीं है, बहरहाल ये मैंने रिमूव किया इस सेम बोर्ड से, तो हम इस ट्यूनर को अब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्यूनर मैंने लगा दी यहाँ पर, तो ये पहले वाला ट्यूनर था, ठीक है, जो कि मैंने इसमें इससे रिमूव किया, ठीक है। तो अब मैंने इसकी जगह पे ये दूसरा ट्यूनर ऐड किया, तो अब हम इसको चेक करेंगे पावर दे के, ठीक है। अभी मैंने यहाँ सोल्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्राउंड अभी दो ही सोल्ड किए हैं, शायद बाई चांस हो सकता है इसको फिर से रिमूव ना करना पड़े, ठीक है, इसलिए ये प्रिंट मैंने सारे सोल्ड कर दिए, तो ये वाले दो किए हैं अभी। तो अब हम इसको लगा के बोर्ड को पावर देते हैं, पावर दे के चेक करते हैं। जी ये मैंने इसको स्क्रीव लाइन लगा दी अभी, तो अब हम इसको केबल लगाएंगे, केबल लगा के अब हम इसको पावर देंगे,
ठीक है, पावर दे के अब हम इसको ट्यूनिंग करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर आ गई है। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा तो अब हम इसको ट्यूनिंग दे के चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या चैनल आते हैं या के नहीं, काम में नहीं हूँ, इन्फोमियो टॉप। तो जी अब हम इसको ट्यूनिंग देंगे, ट्यूनिंग दे के चेक कर लेते हैं। ऑटो ट्यूनिंग, ओके स्टार्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्यूनिंग इसकी शुरू हो चुकी है। तो अभी अब देखेंगे कि चैनल स्टोर करता है या कि नहीं। ठीक है, तो अभी ट्यूनिंग जारी है, 12% हो गए, 6 चैनल इसने स्टोर किए अभी तक, 12 चैनल हो चुके हैं। सॉरी 19 चैनल स्टोर किए जा चुके हैं, फाउंड हो चुके हैं। ये 32 चैनल स्टोर हो चुके हैं। तो जी ट्यूनिंग अभी मुकम्मल होने जा रही है। ठीक है, तो 73 चैनल आ चुके हैं, 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं चैनल आ गए हैं। अब हम इसको ठीक है, इस वक्त सेट हमारा ओके। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इस वक्त चैनल हमारे आ चुके हैं।